हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और पर ज़बरदस्त मज़े की वीडियो आने वाली है। अचानक ही जो है ना, बस हसन की बर्थडे का प्लान बन गया और फिर उसके लिए मुझे करनी थी जो है सारी प्रेपरेशन। और प्रेपरेशन करने के लिए अब टाइम बहुत कम था और मैंने जो है ना जल्दी से अमेज़ोन से डेकोरेशन ऑर्डर की। मन्हा की भी बर्थडे है तो मन्हा की बर्थडे और हसन दोनों की बर्थडे की मैंने फ़ौरन ही जो है ना डेकोरेशन तो ऑर्डर कर दी थी। और बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, जो पार्टी के लिए चीज़ें चाहिए, वो सारी यहाँ से जो है मैं वॉलमार्ट से लेने आई। मैंने कहा जल्दी जल्दी थी जो है ना वॉलमार्ट से ले लेती हूँ। बाकी जो है फिर टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, यही जो है नाइट वाला टाइम बचा था और सुबह में जो है पर्दे हमने करने हैं। तो मैंने कहा जल्दी से सारी यहाँ से जो भी चीज़ें चाहिए ले लें। वैसे जो है मन्हा की जो बर्थडे है ना, वो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है और ये हसन की हमने पहले की थी और बस लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और जी सारा कुछ हमने पहले किया था, मैंने वीडियो बना के रख दी थी और अब मुझे टाइम मिला तो मैं वॉइस ओवर करके और ये लगा रही हूँ। तो यही है कि उस वक्त मुझे इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं जो है ना डॉलर ट्री जाऊँ और वहाँ से भी कुछ चीज़ें वगैरह लूँ, तो टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो मैंने जस्ट जो है ना वॉलमार्ट पे आई और वॉलमार्ट से जो मैंने सारी जो है ना बर्थडे की पार्टी की जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी यहाँ से ही ली थी। लेकिन मन्हा की बर्थडे पे मैं डॉलर ट्री गई और वहाँ से मुझे काफ़ी मिल गई चीज़ें और काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है। यानी आप अगर सिर्फ वॉलमार्ट से ही सारी चीज़ें ले रहे हैं तो वो आपके आलमोस्ट जो मेरी तो 300 तक की चली गई थी। और जब मन्हा की बर्थडे पर मैंने ली जो कुछ चीज़ें मैंने वॉलमार्ट से ली थी, कुछ चीज़ें मैंने डॉलर ट्री से ली थी। मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है जहाँ जहाँ मैं जाती रही थी मन्हा के बर्थडे की तैयारी करने के लिए, तो मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। ऑलमोस्ट $100 में, हाँ ऑलमोस्ट 100 या 150 में सारी ही प्रेपरेशन हो गई थी। तो बहरहाल ये जो वीडियो है मुझे लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने कहा अब ये आपसे शेयर पहले हसन की बर्थडे की शेयर करती हूँ क्योंकि पहले हसन की आती है बर्थडे और फिर मन्हा की करूँगी। और हसन की बर्थडे मैंने नहीं करनी थी, मुझे यही था कि दोनों की जो है ना वो इकट्ठी की जाए। और बार बार जो है ज़ाहिर पता है यहाँ पर जो है इतना काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, सारा कुछ खुद करना है। पहले ज़ाहिर सर्दी है, सर्दियों में तो घर में ही करनी पड़ती है या किसी हॉल वगैरह में, अगर बहुत बड़ी करनी है तो हॉल वगैरह में करनी है, फिर उसके एक्सपेंस भी बहुत ही ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो खैर इतनी बड़ी तो करनी नहीं थी, बस घर में ही थी। और ये था कि नेबर और मन्हा को ये था कि मेरे स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे आने चाहिए मेरी बर्थडे पर। तो मुझे ये था कि चलो जो है ना इकट्ठी ही करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं अलग अलग करनी है। और फिर हसन के यहाँ पे नेबर में इतने ज़्यादा फ्रेंड है तो सबको जब हसन का पता चला कि इसकी बर्थडे है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बर्थडे पे हमने आना है, तो फिर उसके लिए फिर हमें जो है ना हसन की अलग से बर्थडे सेलिब्रेट करनी पड़ी। और फिर वही ये अचानक वाली ही बर्थडे है तो इस पर फिर अचानक वाले ही सारी कुछ जो है वो हम ले रहे थे। और तभी फिर हमने वही अमेज़ोन से सारा इनकी डेकोरेशन भी ऑर्डर कर दी, मन्हा की भी साथ ही कर दी कि एक ही दफ़ा सारा कुछ आ जाए। और अमेज़ोन से जब आप ऑर्डर करते हैं तो विद इन 24 आवर भी आ जाती है, तो हमने क्विक वाली की थी कि हमारे जो है ना एक दिन के अंदर अंदर ही डिलीवरी हो जाए। और फिर जब वो एक दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हुई फिर हमने सारा जो है वो डेकोरेट भी किया, वो भी आपको सारा दिखाती हूँ। तो अभी तो बस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना वॉलमार्ट से ही सब कुछ लिया था, तो ये सारी जो है मैं साथ ले रही हूँ, कैंडल्स वगैरह और उसके अलावा प्लेट्स वगैरह, टेबल शीट्स वगैरह।
तो ये सारा कुछ यहाँ से मैं ले रही थी और वो यहाँ से काफ़ी महंगा पड़ जाता है। यही ना ये वाला जो जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से काफ़ी जो है ना वो महंगा पड़ जाता है। पर जब टाइम ना हो और फिर आपने लेनी भी हो चीज़ें तो फिर आपको लेनी पड़ जाती हैं। तो अभी मैं यही देख रही थी सारी चीज़ें वगैरह, और गुडी बैग्स बनाने हैं तो गुडी बैग्स की भी सारी चीज़ें जो है ना मुझे फिर यहाँ से ही लेनी पड़ी और मैंने यहाँ से ली। और फिर ये जो है केक के लिए, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है और दोनों का यूज़ हो जाएगा, दोनों के बर्थडे पे यही जो है ना यूज़ हो जाएगा, तो ये मैंने लिया। और उसके अलावा स्पून्स वगैरह और वो जो बर्थडे की थीम होती है उसके मुताबिक इसकी अलग चीज़ें लेनी, मनहा की अलग। अभी तो खैर मनहा की मैं चीज़ें तो मैंने नहीं ली थी, वो तो मैंने बाद में ली थी। अच्छा, हसन को जो है ना वो सुपरमैन पसंद है तो सुपरमैन की इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, स्पाइडरमैन ज़्यादा था। मैंने कहा चलो स्पाइडरमैन सुपरमैन एक ही है तो वो जो है ना, लेकिन नहीं, हसन को था कि नहीं मैंने तो सुपरमैन का लेना है, मेरी हर चीज़ सुपरमैन की होनी चाहिए। तो उसका वो जो था ना कि वो वाली चीज़ें कुछ नहीं मिली थी, फिर मैंने कहा नहीं कलर मैच हो रहे हैं तो उन कलर्स के साथ मैच करके मैंने कहा नहीं ये मैच हो रहे हैं, सही है ऐसे ही होता है। तो वो बेचारा जो है वो थोड़ा सा मान गया। कई करेक्टर्स की चीज़ें आपको ऐसे नहीं मिलती, वो भी अमेज़ोन वगैरह से ही मंगवानी पड़ती है। वो उस वक्त इतना ना ही था, मैंने कहा नहीं यहाँ से जो है ना मैं ले लूँगी, अमेज़ोन से नहीं, यहाँ से जाके जल्दी जल्दी सारा कुछ कलेक्ट कर लूँगी। लेकिन वही ना वही बात है कि यहाँ से जो है वो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बस इसी तरह जो है इनकी मैं सुपरमैन स्पाइडरमैन मैंने मिक्स करके ना चीज़ें लेनी स्टार्ट कर दी गुडी बैग्स के लिए भी, तो ये मैंने लिया। और उसके अलावा जो है कैंडीज़ वगैरह भी थी गुडी बैग्स की, वो भी मैं देखती पे रही थी कौन सी सही रहेंगी और क्या चीज़ सही रखती है। बच्चे जो है, बच्चों को ये होता है ना छोटा छोटा बीच में जो है टॉयज़ वगैरह होने चाहिए। और उसके अलावा अभी तो मैं यही सारी चीज़ें देखी थी, मैंने कहा चलो कैरेक्टर से हट के भी अगर कोई चीज़ हो तो वो भी चलो साथ डाल दें। तो ये सारे जो है ना डिफरेंट कैरेक्टर्स की लगी हुई थी चीज़ें, और ये भी जो है वो स्पाइडरमैन, यहाँ पे हर चीज़ स्पाइडरमैन की थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप उसने ड्रेस अपना सुपरमैन का था, मैंने कहा ड्रेस सुपरमैन वाला और चीज़ें सारी स्पाइडरमैन की ले लो, कुछ नहीं होता। लेकिन उसको इतना डिफरेंस पता है, उसने मुझे कहा नहीं नहीं ये जो है ये तो स्पाइडरमैन है, लेकिन फिर भी वो बेचारा मान गया, शुक्र है, क्योंकि मेरे पास और अब चॉइस नहीं थी कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ से बस यही जो है मैं स्पाइडरमैन वाली ही पे चीज़ें मैंने कलेक्ट करनी शुरू कर दी। कुछ मैंने डिफरेंट करेक्टर्स की भी ले ली, मैंने कहा कोई नहीं मिक्स एंड मैच करके जो गुडी बैग्स वगैरह बनाने हैं वो बना लूँगी। बस अब यही चीज़ें देखती फिर कि क्या लें और क्या चीज़ जो है वो अच्छी लगेगी। तो यही सारी मैं चीज़ें वगैरह देख रही। अच्छा, मैं अकेली हूँ ना तो मुझसे थोड़ी जल्दी हो जाती है शॉपिंग सेलेक्ट करना, इजी हो जाता है, वरना सात बच्चे हों तो साथ वो भी तंग वगैरह करते रहते हैं। तो अभी दोनों जो है वो डैडी के साथ है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी यहाँ से मैं चीज़ें सारी कलेक्ट कर लूँ, और जो है ना वही जो चीज़ आपने 5 मिनट में लेनी है ना वो अगर बच्चे साथ हो तो वो आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो बच्चे नहीं साथ थे, मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो जो समझ आ रही थी मैं लेती जा रही थी, रखती जा रही थी, और फिर बस ये बच्चे आए हैं और बाकी जो चीज़ें रह गई थी ग्रॉसरी करने वाली वो मैंने ली और लेके हम घर आ गए। तो ये अब है सुबह का टाइम और सुबह जो है ना यहाँ पे 4 हुई हुई है, और हम लोग कर रहे हैं संडे वाले दिन हसन की बर्थडे दोपहर के टाइम की कर रहे हैं। और इस दिन जो है ना हमने पहले रात को सारी जो है हम सारी ग्रॉसरी करके आए, चीज़ें वगैरह लेके आए, फिर उसके बाद हमने सारी डेकोरेशन की थी, और फिर कुछ चीज़ें ये गुडी बैग्स वगैरह मैंने जल्दी जल्दी बनाए, और साथ अब बच्चे हैं और इनके साथ अब थोड़ी बहुत जो रह गई हैं उनको फिक्स करेंगे, और उसके बाद टेबल वगैरह सेट करेंगे, तो वो सारा जो है ना हम करते हैं। सारा भी यही सारा मैस मचा हुआ है, अभी इसको सारा ऑर्गेनाइज़ करना है, सेट करना है। तो ये सारा हमने का टाइम हमारे पास है, 3 बजे जो है सबने आना स्टार्ट करना है। तो उससे पहले पहले टेबल्स वगैरह दूसरे रूम में सेट कर लेते हैं, और एक रूम पूरा डेकोरेट करके सेट करके रखते हैं, और ये वाला एरिया जो बच्चों के खेलने के लिए बना लेते हैं, बच्चे यहाँ खेलते रहें। और ये सारे हमने जो है ना इनकी डेकोरेशन कर दी थी, और ये सारी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाई थी और सारी बना के फिर लगाई, काफ़ी टाइम लग जाता है।
ये फुल जो है डेकोरेट हो गया था, टेबल सारे यहाँ पे सेट कर दिए और यहाँ पे ये कि सारा केक कट वगैरह और सब कुछ यहाँ पे अब करेंगे। अच्छी लगी। आज किसकी बर्थडे है? आज इधर मुखर इधर। हाँ आज हसन की बर्थडे। देखो हम बोले अगर आएगा बिना। चलो आज हसन रेडी हो जाए अब जल्दी से। फिर कैंडीज निकलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट तो मन्हा रेडी हो गए, लेकिन मन्हा आपने अपना ब्रेकफास्ट नहीं फिनिश किया। ये देखो आपका ब्रेकफास्ट ऐसे ही पड़ा। तो बस बच्चों के साथ सब ब्रेकफास्ट करा आई थी, इतना टाइम लगा देते हैं खाने में भी। और फिर उसके बाद आ गया हसन रेडी होके। बस फिर बच्चे वगैरह आ गए इसके सारे जो हैं हमारे नेबर फ्रेंड्स वगैरह सारे आ गए थे। और फिर बच्चों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी गेम। और बच्चों की बर्थडे हो तो गेम्स वगैरह ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इन माशाल्लाह काफ़ी बच्चे थे तो इन्होंने जो है ना म्यूज़िकल चेयर गेम होती है ये स्टार्ट की। और इसमें इन्होंने इतना इंजॉय किया, इतना फ़न किया, हमें भी बड़ा मज़ा आया। तो फर्स्ट गेम तो ये थी। Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Happy birthday.
ओके बस बस मैस ना कर देना। गुड, आपने फौरन स्टार्ट कर दिया, मम्मा का वेट भी नहीं किया। क्या क्या ओपन किया दिखाओ। सेम ओके हसन रेडी। ये आपको सिस्टर ने दिया है, ये सिस्टर का गिफ्ट है। हसन हसन देखो अपना, ओपन करो। मेरे भी सिस्टर ओपन करिए, आप भी ओपन करो साथ। वाह, सिस्टर ने गिफ्ट किया है, थैंक यू। सिस्टर को थैंक यू बोलो। थैंक यू। और भी ओके, और गिफ्ट लेके आओ, और ओपन करो गिफ्ट। कपड़े, वाओ कपड़े, ये तो छोटे लग रहे हैं। नहीं पहनोगे तो छोटे लगेंगे ना। सही है, पूरे लग रहे। पूरे हाँ ओके। अब नेक्स्ट, ओ सारा ओपन कर दिया। और नेक्स्ट एक वो रह गया लास्ट, वो छोटे वाले ब्लू। और भी है, और भी है। ओ ये क्या प्लेटो। प्लेटो है। मुझे प्ले करना। ओके पहले ओपन तो कर लो सारे। अच्छा जो यहाँ के बच्चे हैं ना, वो तो ज़्यादा मोस्टली जो है पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, तो पिज़्ज़ा वगैरह था और चिकन और जो है कबाब, राइस, चिक पीस और पालक, ये सारा कुछ हमने रखा हुआ था। क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, जो गोरे और यहाँ पे अमेरिकन जो होते हैं, वो मोस्टली पिज़्ज़ा ही खाते हैं, हमारी देसी फूड इतना नहीं खाते। लेकिन हमने रखा हुआ था, लोगों को पसंद आया था, उन्हें अच्छा लगा था, उन्होंने खाया था सब ने। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बर्थडे हो गई थी, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत फ़न किया, बहुत थकावट भी हो गई। अब ये सारा कुछ समेटेंगे और सारा कुछ खुद करना है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों ने भी आज हमारे साथ जो है इस बर्थडे को सेलिब्रेट जो हमने की, इंजॉय किया हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।